नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। सुबह के 10 बज रहे हैं और वक्त हो गया है अब तक की सबसे बड़ी बहस का। तो शुरुआत करते हैं, आने वाले समय में राज्य अपने हिसाब से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की लिस्ट बना सकते हैं। राज्यों को यह अधिकार देने के लिए मोदी सरकार की ओर से संसद में एक संविधान संशोधन बिल लोकसभा में सोमवार को पेश किया गया। बिल के जरिए राज्यों के उस अधिकार को बहाल करने की तैयारी है जिसके जरिए वे अपने स्तर पर ओबीसी जातियों की लिस्ट तैयार कर सकेंगे। लोकसभा में इस बिल को सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने पेश किया। इस बिल को ओबीसी विधेयक के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था जहां देश की शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक 102 में संविधान संशोधन के बाद से राज्यों के पास सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने का अधिकार नहीं है। वे अपने स्तर पर ओबीसी की लिस्ट भी नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर केंद्र सरकार ने समीक्षा याचिका दायर की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद 4 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट ने यानी कि मोदी सरकार के कैबिनेट ने एक संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दी जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने की शक्ति देने का प्रावधान करता है। अब राजनीतिक पंडित चुनावी लिहाज से इसे बीजेपी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। साथ ही ये चर्चा भी अब शुरू हो गई है कि बीजेपी ने न सिर्फ 2022 के विधानसभा चुनावों बल्कि 2024 के लोकसभा चुनावों पर भी निशाना लगाया है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। तो मोदी सरकार की ओर से एक बड़ी पहल की गई है, राज्यों को अब ओबीसी लिस्ट बनाने की शक्तियां मिल सकती हैं और इसी को लेकर लोकसभा में जो विधेयक पेश किया गया उसको आज राज्यसभा में पेश किया जाना है। राज्यसभा में बीजेपी की तरफ से व्हिप जारी किया गया है। सभी सांसदों को जो है वो दिल्ली में रहने के और संसद सत्र में शामिल होने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन साथ ही राजनीतिक पंडित जो हैं वो कुछ और ही इसकी अवधारणा पेश कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ओबीसी लिस्ट को बनाने की स्वतंत्रता देकर अब बीजेपी जो है वो ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से 2022 में यूपी का बड़ा विधानसभा चुनाव है और 2024 यानी कि लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता भी यूपी से होकर ही जाता है, तो एक साथ दो बड़े निशाने साधे हैं। वहीं ओबीसी को लेकर जिस तरीके से हरियाणा में जाट आरक्षण का मुद्दा हावी रहता है, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा हावी रहता है, ये सब चीजें इस एक निशाने से साधी जा सकती हैं। इसको लेकर इसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। आने वाले चुनावों में ये मुद्दा काफी ज्यादा मदद पहुंचा सकता है बीजेपी को, ऐसी चर्चा शुरू हो गई है। इसको लेकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया है। इस बिल को ओबीसी विधेयक के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले की अगर जानकारी आपको दें तो पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, लेकिन शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को साफ साफ तौर पर कह दिया कि राज्यों के पास सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने का अधिकार नहीं है और वो अपने स्तर पर ओबीसी की लिस्ट भी नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर केंद्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर की और दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को भी खारिज कर दिया था, जिसके बाद मजबूरन केंद्र सरकार को संविधान संशोधन का सहारा लेना पड़ा और अब ये बिल के रूप में संसद में पेश हो रहा है। तो इसी विषय पर खास जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अलका सिंह न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। उनसे हम जानेंगे कि इस विषय को लेकर क्या कुछ तमाम ताजा खास खास पॉइंटर्स हैं, जानकारियां हैं। अलका, ओवर टू यू। बिल्कुल पवन, लोकसभा में पारित हो चुका है ओबीसी बिल और अब राज्यसभा में आज पारित होना है। जिस तरीके से बीजेपी ने ये नया बिल लाया है वो एक बहुत मायने रखता है आने वाले चुनाव में भी, और ख़ासकर लोकसभा राज्यसभा हर तरीके के जो चुनाव हैं इसमें बीजेपी को काफ़ी लाभ मिलेगा इस चीज़ से। आपको बता दें कि 127वें संशोधन के लिए बिल ये पेश किया गया है। आपको ये भी बता दें कि इसके तहत अब राज्यों को ओबीसी अधिसूची जारी करने की का जो हक है वो मिल जाएगा। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर प्रतिबंध लगाया दिया गया था और
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ साफ ये कहा गया था कि जो ओबीसी अधिसूची जारी करने का अधिकार है वो पूरी तरीके से वो केंद्र सरकार के हाथ में है, राज्य सरकार इस पर नया अधिसूची नहीं जारी कर सकती है। अब इसी मुद्दे पर सरकार ने नया फैसला लिया है और इसे बदलने के लिए सरकार अब नया बिल लेकर आ रही है। आपको बता दें कि 324 ए और 366 सी में संशोधन होना है इस बिल में, और इसके तहत अब राज्य सरकारों को भी अगर ये बिल पास हो जाता है तो उन्हें अधिकार मिल जाएगा ओबीसी अधिसूची जारी करने का। मिल पा रही है मेरी? बिल्कुल हाँ। इसको मास्टर स्ट्रोक इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से मॉनसून सत्र बाधित चल रहा था, तमाम मुद्दों पर, पेगासस का मुद्दा चल रहा था, किसान, कई मुद्दों को लेकर जब संसद बाधित चल रही थी, ऐसे में ओबीसी बिल पर अब विपक्ष जो है वो साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और हरियाणा में जो जिस तरीके से जाट आरक्षण, मराठाओं का महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर, गुजरात की बात करें तो वहां पर जो है पटेलों के लिए आरक्षण, ये सारी चीजें एक ही निशाने से मोदी सरकार ने साधी हैं। बिल्कुल पवन, जिस तरीके से हम आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से ओबीसी बिल में बिल लाया गया है संशोधन करने के लिए कि राज्यों की अधिसूची जारी कर सके, उन्हें अधिकार मिल सके। आपको बता दें कि 167 ऐसी जातियां हैं जो राज्य सरकारों की अधिसूची में शामिल है लेकिन केंद्र सरकार की अधिसूची में शामिल नहीं थी। अब इसके तहत बीजेपी एक बड़े ओबीसी बेल्ट को, या यूं कहें एक बड़ी ओबीसी जातियां जो राज्य सरकार की सूचियों में शामिल थी उन्हें साधने की कोशिश कर रही है, और एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष ना चाहते हुए भी साथ खड़ा होगा, इसलिए क्योंकि वो ओबीसी की जो जातियां हैं अलग अलग राज्यों में उन्हें नाराज नहीं करना चाहती, खासकर गुजरात में पाटिल समुदाय है, हरियाणा में जाट समुदाय है, और महाराष्ट्र में मराठी समुदाय है, और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय है। तो ऐसे लोगों को कोई भी विपक्षी पार्टियां नहीं चाहेगी कि उनकी तरफ से अगर वो इस बिल को समर्थन नहीं देते हैं, उनकी मजबूरी है, तो ये ओबीसी जातियां उनसे नाराज हो जाएंगी और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है उन्हें आगामी चुनावों में झेलना पड़ सकता है। यही एक ऐसी वजह है कि तमाम नाराजगी के बावजूद भी जब ओबीसी बिल जो पेश किया गया है लोकसभा में और अब राज्यसभा में पारित होगा, इस मुद्दे पर जो अलग अलग के नेता हैं एक साथ केंद्र सरकार के साथ खड़ी हुए नजर आ रहे हैं। अलका, दर्शकों को अगर आप बता पाएं तो इस बिल से जो ओबीसी जातियां हैं उनको क्या कुछ लाभ मोटे मोटे तौर पर हो सकते हैं? बिल्कुल पवन, जिस तरीके से महाराष्ट्र का मुद्दा था, महाराष्ट्र में महाराष्ट्रीय लोगों को अलग से जो फडणवीस सरकार थी उसने आरक्षण देने की बात कही थी, लेकिन इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाती थी ये कहते हुए कि ये शक्ति जो है वो सिर्फ केंद्र सरकार के हाथों में है। तो अब ऐसे में जिस तरीके से पाटिल समुदाय है, लिंगायत समुदाय है, या जाट आरक्षण के लगातार आंदोलन होते रहे हैं, तो इन लोगों को अब काफ़ी फायदा होगा। अब ये जातियाँ भी आरक्षण का लाभ ले सकेंगी और सरकारी कोटे की जो नौकरी है उसे हासिल कर सकेंगी, शिक्षण संस्थानों में एडमिशन ले सकेंगी, ये सारे लाभ जो हैं अब इन समुदाय को मिलने का जो रास्ता है इस बिल के जरिए साफ हो जाएगा। अगर ये बिल पास हो जाता है और ये कानून का रूप ले लेता है तो इन जातियों के जो मराठी समुदाय के लोग हैं, जाट समुदाय के लोग हैं, पाटिल समुदाय के लोग हैं, लिंगायत समुदाय के लोग हैं, इन लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिलेगा, और इससे पहले जो तमाम ओबीसी जातियां जिन्हें लाभ मिलता था आरक्षण का, अब ये सारे आरक्षण का लाभ मिलने का जो रास्ता है इस बिल के जरिए क्लियर हो जाएगा। अलका, जब ये बिल लोकसभा में पेश किया गया, अखिलेश यादव इन्होंने ट्वीट किया, क्योंकि कोई भी बड़ी बात हो, कोई भी बड़ा मुद्दा हो, यूपी के बगैर उसको जो है रेखांकित नहीं किया जा सकता। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये समाजवाद की जीत है और हम लोग काफ़ी समय से मांग कर रहे थे। अब जबकि यूपी चुनाव सिर पर है, 80 लोकसभा सीटें हैं यूपी में, कितना बड़ा फर्क ये डालेगा और जिस बात का क्रेडिट जो है वो अखिलेश यादव लेना चाह रहे हैं उनको कितना फायदा मिल पाएगा? बिल्कुल पवन, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है इसे ध्यान में रखकर ही केंद्र सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि ये जो बिल है वो राज्यसभा और लोकसभा में पेश किया जा रहा है, नए कानून बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा रास्ता है जो केंद्र का सफर तय करता है, वो चाहे किस कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, अभी तक सत्ता में जितने भी लोग काबिज रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश काफ़ी मायने रखता है, और ऐसे में जो विधानसभा चुनाव है इसको लेकर भी बीजेपी का ये स्टंट जो है काफ़ी मायने रखता है, कि क्योंकि ओबीसी जो कास्ट है इसका काफ़ी महत्व है
विधानसभा चुनाव में या फिर कहें उत्तर प्रदेश की राजनीति में, यही वजह है कि तमाम जो पार्टियां हैं वो ओबीसी को, ओबीसी वर्ग को अपनी तरफ लाने की कोशिश करती रहती हैं। और इसमें अखिलेश सरकार की तरफ से यही भी, अखिलेश की तरफ से भी यही प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बीजेपी के पाले में ये बात जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और बीजेपी ऐसे में ओबीसी बिल पेश कर रही है अधिसूचित चेंज करने के लिए, और इसका सीधे फायदा जो है वो राज्य सरकार को मिलता है। अगर ये बिल जल्द ही पारित हो जाता है और कानून बन जाता है तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसी कई जातियां हैं जिन्हें आसानी से मौका मिल सकता है आरक्षण में शामिल होने का, जैसे अति पिछड़ी जातियों के लिए योगी सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काफी बड़ा फायदेमंद जो उपहार है वो साबित हो रहा है, जिस तरीके से ओबीसी जातियों के लिए जो उपहार लेकर आई है बीजेपी सरकार, तो ये बीजेपी के लिए भी फायदेमंद है। अगर कहीं ना कहीं अगर इस मुद्दे को सपा अच्छे तरीके से उठाती है और ये दिखाती है कि वो ओबीसी की हिमायती पार्टी है, तो कहीं ना कहीं उसे भी फायदा हो सकता है। लेकिन ये सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा होगा इस बिल का तो वो सबसे ज्यादा बीजेपी है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं और बीजेपी की तरफ से ये कहा, ये चीज का क्रेडिट लिया जा सकता है कि उनकी सरकार में ये बिल पेश किया गया और इसे पारित कराया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया अलका इस अहम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी अलका सिंह जानकारी दे रही थी कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने ये मास्टर स्ट्रोक के रूप में ओबीसी बिल को पेश किया है, ये आने वाले सभी चुनावों में एक बड़ा असर डालेगा। तो ओबीसी लिस्ट बनाने की ताकत जो है वो राज्यों को मिल जाएगी। अब इसमें जो तमाम राज्यों में ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण देने की बात चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो लिमिटेशन लगाई गई है उस लिमिटेशन की वजह से वो रास्ता क्लियर नहीं हो पा रहा था। अब इस संविधान संशोधन के जरिए वो रास्ता क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी मुद्दे पर आज हम बड़ी बहस करेंगे और इसमें जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से बात कही जा रही थी तो सिर्फ मात्र औपचारिकता है और वोट बैंक को लेकर भी बातें सामने आ रही हैं, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे कि जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया कही जा रही है और खासकर बीजेपी किस तरीके से इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास जनता के बीच करेगी, किस तरीके से जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और उसके बाद अभी से लग रहा है कि 2024 की तैयारी वो अभी से 2021 में ही शुरू हो गई है। तो एक बड़ी परीक्षा मोदी सरकार के सामने और उस परीक्षा को पास करने के लिए पहले से ही तैयारियां शुरू करती हुई दिखी जा रही हैं। तो इसी विषय पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान बीजेपी से राहुल आनंद जी और कांग्रेस से कुंवर सिंह जी लाइव जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है राहुल और कुंवर सिंह जी आप दोनों का एनबी न्यूज पर। आपसे शुरुआत करते हैं कुंवर सिंह जी, कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक और आपके हाथ से कितना बड़ा मुद्दा चला गया, सीधा स्पष्ट सवाल। कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये जान दुनिया देखती है कि ये सरकार जो है वो ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट की सरकार। आप ओबीसी बिल ला रहे हैं, हम आपके साथ हैं, क्योंकि देश में गरीब गुरबा के साथ भी न्याय हो और जो जातिवाद का दंश झेल रहे हैं लोग उनको मुक्ति मिले, वो नौकरी में जाए तो उनके घर परिवार का विकास हो। ये ओबीसी बिल देश की सरकार लाई उसका स्वागत। जस्ट मध्य प्रदेश की सरकार में हम आपको जाना चाहेंगे, वहां शिवराज सिंह सरकार ने जवाब नहीं दिया हाई कोर्ट में, कमलनाथ जी की सरकार ने 27% आरक्षण लागू किया जबकि केंद्र में लागू है, मध्य प्रदेश में 14% लागू है, कमलनाथ की सरकार ने 27% आरक्षण लागू किया लेकिन वह मामला चला गया हाई कोर्ट में, शिवराज सिंह सरकार की असंवेदनशीलता से हाई कोर्ट में वह मामला खारिज हो गया क्योंकि इनके महाधिवक्ता ने कहा कि 14% ही पिछड़े को आरक्षण देना, 27% की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये दो तरह की बात करते हैं, एक तो दिखावा करते हैं हम ओबीसी के साथ हैं और मध्य प्रदेश में ओबीसी का बड़ा लोग है, बड़ा उनका आंकड़ा है, तो उनके साथ कुठाराघात नहीं कर रही है बीजेपी और शिवराज सरकार। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये प्रचार और दिखावे की सरकार है और यदि लोकहित की बात किए होते तो नरेंद्र मोदी शिवराज सरकार को फोन करे शिवराज सिंह को
कि पिछड़ों के साथ अत्याचार मत करिए, 14% से जो 27% कमलनाथ सरकार ने किया है उसको लागू कराइए। ठीक है, जवाब लेंगे राहुल आनंद जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं ओबीसी बिल को लेकर। जिस तरीके से केंद्र सरकार अब ओबीसी बिल की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उससे अब एक राजनीतिक माहौल जो है वो एक गर्म हो गया है, और उसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद ही खास दो मेहमान राहुल आनंद जी बीजेपी से और कुंवर सिंह जी कांग्रेस से बने हुए हैं। राहुल आनंद जी, जिस ब्रेक से पहले कुंवर सिंह जी ने जो आरोप आप पर लगाए उन पर क्या आपका जवाब है, साथ ही आपका ये क्यों ना माना जाए कि ये एक स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं इसलिए आपने चुनावी माहौल को साधने के लिए चुनावी वक्त में ये कदम उठाया। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि विपक्ष से भी कैसी नाराजगी, विपक्ष से भी कैसी नाराजगी, वो तो बस अपना नाम सार्थक कर रही है। बड़ा ही स्पष्ट है, इस देश में हर वक्त हर साल या कुछ महीनों के अंतराल पर चुनाव होते रहते हैं, ये लोकतंत्र में लोकतंत्र की खूबसूरती ये होते रहते हैं, लेकिन चुनाव के मद्देनजर सरकार काम नहीं करती है। जो अभी केंद्र की जो सरकार है वो अपने मुद्दों पे काम करती है। हमने पहले भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, उस वक्त भी कई राज्यों में चुनाव रहे होंगे, अभी कुछ दिन पहले भी फैसले लिए गए थे, कुछ राज्यों में चुनाव थे और फिर वही वक्त आ गया है। तो इसके ऊपर ये कहना गलत है कि वोट बैंक की राजनीति या चुनावी चुनावी राजनीति कर रही है केंद्र की सरकार, क्योंकि एक इंग्लिश की कहावत है, सो मस्ट बी गोज ऑन, तो वो चलता ही रहेगा और सरकार रहेगी, विकास की धारा बहते रहेगी। ठीक उसी प्रकार से ये बिल को मैं देखता हूँ कि ओबीसी का जो बिल है वो आना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसके पास तक विकास पहुंचे। ये हमने हर वक्त सफल बनाया है, इन शब्दों को बनाया है सफल, और जो सबका साथ सबका विकास की जो बात करते हैं इस पे अमल अगर की जाए तो हमारा केंद्र बिंदु, सरकार का काम करने का जो केंद्र बिंदु है वो बिल्कुल आकर वही रुकती है। लेकिन कुंवर जी तो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश को लेकर उन्होंने जो निशाना साधा उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह जी की जो सरकार है वो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है इस विषयों को लेकर, और वो जरूरत के हिसाब से जैसे चल रहे उस हिसाब से वो वहां पे अपने कार्यकाल कर भी रही है, इसका कहीं से कोई विरोध नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे थोड़ा सा पलटकर देखेंगे आईने को, तो मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो वहां पे जो शिवराज सिंह की सरकार ने जो अपने लिए जो नियम बनाए हैं वो सबका साथ और सबका विकास की भलाई के ऊपर ही है। अब रही बात कैबिनेट को मंजूरी मिली, वो भी उनके पास से मिल चुकी है, ना विपक्ष ने वहां विरोध किया ना कुछ किया, इससे साफ ये जब जाहिर होता है कि ये जो शब्दों की जो मायाजाल बिछाने की जो बात होती है वो हमारा विपक्ष करता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में एक स्लोगन कहा था, वोट जाकर जो अपने नाम को जो सार्थक करने का जो प्रयास कर रही है यही चेहरा विपक्ष का है अभी के समय में, उन्हें विकास से कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। ठीक है कुंवर सिंह जी, ये बात आप कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक नहीं है, लेकिन ये तो आप भी स्वीकारेंगे कि जिस संसद को आपने बंधक बनाए हुए रखा है इतने लंबे समय से, आपको एक ऐसा मुद्दा लेकर आई मोदी सरकार कि आपको न सिर्फ संसद चलवाना पड़ा बल्कि उस बिल का समर्थन करना पड़ा, और विपक्ष जिस बात का समर्थन करे आमतौर पर यह धारणा होती है कि वो जनहित में है, फिर आप क्यों उसके विरोध में जा रहे हैं? विपक्ष का ये मतलब नहीं है कि सरकार जो करे उसका हम विरोध करें। लोक हित के जो मुद्दे आएंगे, जो जनता के हित में आएंगे, जो गरीब लोगों के लिए हित में रहेंगे, हम सरकार के साथ। तो आप इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष लेते हुए उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस बात से तो ये स्पष्ट हो गया ना कि ये जनहित का मुद्दा है। देखिए, भारत गरीब लोगों का देश है, भारत में आज भी जातिवाद का दंश झेल रहे हैं लोग। आपने देखा कहीं यदि एसटी एससी ओबीसी के लोग घोड़े पर चढ़कर निकल जाते हैं तो आज भी उनको मार दिया जाता है और उनके साथ अत्याचार होता है, दलित बेटियों के साथ अत्याचार होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये
जब गरीब के साथ न्याय ने कहा कि हम उत्तर मध्य प्रदेश में हमने विरोध नहीं किया, तो मैं साथी को याद दिलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा कल से शुरू हुई है और पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आप 27% पिछड़े का आरक्षण लागू करिए, और मेरा तो सीधा ये भी कहना है कि आप जिस तरह से दिखावे की राजनीति, कल आपने देखा जिस तरह से ओलंपिक जीतकर हमारे खिलाड़ी आए और अशोका होटल में वहां पर सम्मान हुआ, लेकिन उन खिलाड़ियों का फोटो कितना छोटा था और प्रधानमंत्री जी का कितना बड़ा फोटो था। तो इसी से पता चलता है ना कि जो आदमी ब्रांडिंग करना चाहता है, जो आदमी अपना प्रचार करना चाहता, आप गर्व से ये क्यों नहीं कहे कि हमने 230 करोड़ का बजट खिलाड़ियों के लिए काट दिया था, फिर भी खिलाड़ियों को धन्यवाद है जिन्होंने ये पदक की। तो ये ब्रांडिंग की सरकार है, प्रचार की सरकार है, दिखावे की सरकार। ठीक है राहुल जी, ब्रांडिंग, दिखावा और प्रचार की सरकार है। सबसे पहले तो मैं कुमार साहब से एक चीज कहना चाहूंगा, वो जब भी कुछ बातों को रखते हैं तो वो विपक्ष का रोल होता है सकारात्मक विरोध करना, ना कि वो फिंगरिंग करने वाला विरोध करना। मैं माफी चाहूंगा कुमार साहब से भी, जो मेरे घोड़े वाली जो बात इन्होंने की कि घोड़े पे अगर दलित बैठ कर चलता है तो वहां लोग मारते हैं, वो किसके तरफ इशारा करना चाहते हैं, वो क्या बता रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि सरकार में और संविधान में ये कानून बने हैं एससी एसटी को भी लेकर, हम जब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था कि तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी, उस अध्यादेश को केंद्र की सरकार ने बदला था, शायद को याद होगा। और एक अच्छे परंपरा की जो शुरुआत हुई थी, दलित एक कहावत था, जब अंबेडकर को ये मानते जरूर है, लेकिन अंबेडकर की विचारधारा को अपने जीवन में उतारने में ये परहेज करते हैं। अंबेडकर ने क्या कहा था? अंबेडकर ने कहा था कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काबिलियत होगा वही राजा बनेगा। ये जो मैंने तो शब्द बताए आपको, ये जो मैंने वाक्य बताए, क्या इस पे आज की जनता अमल नहीं करती है? जिस प्रकार से जनाधार की बात करें, क्या अच्छे जगहों पे क्या एससी एसटी के लोग प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं? आपराधिक घटनाएं कहां नहीं घटती है? केंद्र शासित प्रदेश हो या फिर आप कांग्रेस शासित प्रदेश हो या गैर भाजपा शासित कांग्रेस प्रदेश हो, क्या इस प्रकार की घटना वहां नहीं घटती है? घटना घटने से कोई मना नहीं कर सकता है। हाँ, आप दंड बनाइए और कानून के तहत उनको घेरिए, ये एक अच्छी परंपरा है, लेकिन इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और जहां तक फोटो की बात की गई है और खिलाड़ियों की बात की गई है, तो मैं आपको बता दूं कि 2014 के पहले भी ओलंपिक हुआ करते थे, क्या इन्होंने खिलाड़ियों को कभी सम्मान दिया? क्या इस प्रकार की विचारधारा अपने देश के अंदर फैलाई, वो जज्बा दिखाया कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोटिवेटेड करते हैं हमारे खिलाड़ियों को? ये कभी नहीं दिखाया। लेकिन जो खिलाड़ियों ने ओलंपिक में जो हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया है, इसके हम सभी ऋणी हैं। और जहां तक बात है देश की सरकार की, तो देश की सरकार प्रधानमंत्री से ही रिप्रेजेंट होती है। आप करिए ना, आपको किसने रोका है? आपकी जहां जो गैर भाजपा शासित प्रदेश है, आप वहां बड़े बड़े फोटो लगवाइए, मैंने कब मना किया है? लेकिन जहां तक सम्मान की बात है, मैंने आपको क्या कहा कि विपक्ष अपने नाम को सार्थक करने का चर्चा बार बार करता है, ये घूम फिर कर वही आते हैं, कोई नई बात इनके लिए नहीं है। और हम राष्ट्रवादी सोच के हैं और राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, और इसके लिए इनसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन भी करता हूं कि देश की संसद को चलने देने में वो मदद भी करे। ठीक है राहुल जी, आप बीच में ओलंपिक को ले आए, आपको पता है मीराबाई चानू जिन्होंने पदक लेके आए, वो ट्रक पर लिफ्ट मांग मांग कर अपने ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंच पाती थी। आपके मंत्रालय ने, जो खेल मंत्रालय है आपकी सरकार ने, उसका बजट कट कर दिया, ये कुंवर सिंह जी का आरोप है, और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स भी कुछ ऐसी ही बात कह रही हैं। आप भले ही उसमें कोरोना महामारी का हवाला दे दें, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपकी तरफ से अगर एथलीट्स को और अच्छी सहायता मिल सकती तो ये टेबल 7 से और ऊपर जा सकती थी? हॉकी को भी अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कोई परिश्रम करता तो उस समय उसके तप को देखा जाता है। ये जो शब्द आपने कहा कि आपके मंत्रालय ने कटौती कर दी या जो भी है, वो मंत्रालय की अपनी कोई स्थिति नहीं होगी और उसके ऊपर ये देखकर निर्णय लिया गया होगा। लेकिन आज आप जो बात कह रहे हैं, आज उसका ही सम्मान है
और जहां तक बात है उनको सम्मान देने की, तो उसमें हम कभी पीछे नहीं हटे हैं। हाँ, शुरुआती दौर में कहीं जो परेशानियां आती हैं, अगर कोई बच्चा मेहनती होता है और जो तपता है वही निखरता है, अगर ये तप कर नहीं निखरी होती तो शायद आप ये बातें हमसे नहीं करते। चलिए, ना सिर्फ बजट काट दिया बल्कि आपने तो जो खेल रत्न का जो नाम था राजीव गांधी जी के नाम से, उसको भी काट दिया। बहरहाल उस पर आएंगे। कुंवर सिंह जी, ये जो तमाम आरोप आज लग रहे हैं और आप इन पर लगा रहे हैं या आप पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, कहीं अभी से ही ये 2024 की आधारशिला तो नहीं रखी जा रही? क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ एक राज्य का नहीं, आप गुजरात में पटेलों को ले लें, बड़ा संघर्ष चल रहा था, हरियाणा में जाट समुदाय को ले लें, बड़ा मुद्दा चल रहा था, राजस्थान में गुर्जर समुदाय को ले लें, बड़ा मुद्दा चल रहा था, महाराष्ट्र को ले लें, वहां पर भी मराठा संघर्ष चल रहा था, तो ये एक साथ कई निशानों पर तीर लगाया है, आपके लिए परेशानी नहीं जो है आगे क्रिएट करेगा? कोई परेशानी की बात नहीं है, गरीब को न्याय मिले, जो आरक्षण का लाभ लेने लायक है उसको आरक्षण का लाभ मिले, लोकतंत्र पर आस्था है हमको, हम भी चाहते हैं कि गरीब के साथ न्याय हो और जो गरीब गुरबा दूर सुदूर और पिछड़े लोग हैं उनके लिए देश की सरकार काम करे, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम चाहते हैं सबका विकास, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सर ले आइए, चुनाव के कारण ही ले आए, पर आपकी नीयत तो अच्छी हुई, वहीं पर आप देखिए जिस तरह से अभी हमारे साथी ने कहा हम राष्ट्रवाद का करना चाहते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण मध्य प्रदेश के अंदर फिर जाना चाहता हूं। हमने कमलनाथ जी की सरकार ने, कमलनाथ जी ने कहा पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल को कि आप गौशाला बनवाइए, 15 महीने के अंदर 1500 गौशालें बनवाई गई और एक दिन का उस गाय का खर्च 59 रुपया रखा गया, पर जब लोकतंत्र की हत्या करके शिवराज सरकार बनी तो गौशाला बनाने का काम रोक दिया गया। चलिए ठीक है कुंवर जी, इन सब चीजों पर इनसे जवाब लेंगे, फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आएंगे तो एक नए क्रांतिकारी मुद्दे के साथ शुरुआत करेंगे। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ।